रबिया का कॉलर सईद बिन मुसैयब का और इब्ने जुबैर और इब्ने अब्बास का और इसी तरह से इनके बाकी असहाब का, कि इसमें कोई हरज की बात नहीं है कि अगर औरत जो है मुसहफ को हाथ लगाए या पढ़े या इसी तरह से अल्लाह का जिक्र करे हाइजा होने की हालत में या जुनबी होने की हालत में, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। कोई बच्ची पर्चा देने जाती है उसको पीरियड्स हुए, मुझे ये बताइए एक फतवा किसी ने लगाया हो कि आपने इम्तहान देने जाना है तो आयत नहीं लिख के आनी। इस्लामिक स्टडीज का पेपर है और बच्ची को हैज आया हुआ, मुझे ये बताइए कि आप में से कौन रुका है आज तक? वहां तो नहीं रुके, वहां तो ये बात समझ आ जाती है। और जब यानी वैसे जनरली पढ़ने की बात आती है जो हमारे हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, वहां पर यह बात रुकावट बन जाती है कि इसको क्यों पकड़ लिया। तो एहतियात उतनी कर लीजिए जितनी एहतियात करने का हुक्म है, उतनी एहतियात कर लें। बाकी औरत को इस बुनियाद पर रोक दिया जाए तो ये बड़े जुल्म की बात है। औरत को जिक्र भी करना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी भेज सकती है, दुआएं भी कर सकती है और कलामुल्लाह की तिलावत से भी सईद बिन मुसैयब सईद बिन जुबैर वगैरह ने नहीं रोका, लेकिन चलिए तिलावत सुन तो सकती है। तालीम हासिल करने वालों पर तो कोई पाबंदी नहीं, न पढ़ने वालों पर न पढ़ाने वालों पर। जितनी मजबूती से औरत ने हैज की बात को पकड़ा है ना, इस बुनियाद पर दीन से गाफिल रही है, इतना ला इलाहा इल्लल्लाह को भी नहीं पकड़ा। ये सब इबलीसी हथकंडे हैं, यानी शैतान की चाल है कि किसी तरह से औरत महरूम रहे, और औरत ने इसे कबूल किया हुआ है, वरना असलन ऐसी बात नहीं है। हैज के हवाले से जो पाबंदियां औरत पर आयद की गई और अहदीस के हवाले से तो वो रिवायात जईफ हैं, इसलिए उनको हुज्जत नहीं तस्लीम किया जा सकता। सईद बिन मुसैयब और सईद बिन जुबैर से किसी ने पूछा क्या हाइजा औरत कुरान पढ़ सकती है, उन्होंने कहा आप अजीब लोग हो कि क्या उसके जहन में उसके दिमाग में कुरान महफूज नहीं है, यानी जो चीज उसे याद है उसके दिमाग में, आप कहते हो उसे इस लोथड़े पे लेके ना हो कि जुबान के लोथड़े पे आ जाता है तो वो गुनाहगार हो जाती है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कैसे मुमकिन है कि हम इतना तवील अरसा औरतों को कुरान पढ़ने से और जिक्र अजकार करने से और दीनी उमूर अंजाम देने से रोक दें। किसी औरत को 7 दिन पीरियड्स आते हैं या 10 दिन, महीने में 1/3 हिस्सा पीरियड्स अगर उसमें गुजर जाता है फर्ज करें, या किसी लोग कुछ लोगों का 1/6 हिस्सा भी हो सकता है या कुछ लोगों का 1/4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है किसी का कम किसी का ज्यादा। फर्ज करें कि अगर किसी की कुल उम्र 60 बरस है और 1/3 हिस्सा उसने अल्लाह के कलाम के बगैर जिक्र इलाही के बगैर गुजारा है, तो अब आप खुद देख लीजिए कि उसने पूरे 20 बरस जो है महरूम रह के गुजार दिए। और ये सिर्फ एक औरत के साल नहीं है, ये तमाम औरतों के मामलात हैं। फिर दूसरी तरफ देखिएगा कि बाकी जो 40 बरस बचे हैं उन 40 बरसों में कितना अरसा सोने में निकल जाता है, बाकी काम अंजाम देने में निकल जाता है। तो ये देखें कि अल्लाह के लिए औरत कितने दिनों और कितने मिनट्स और कितने घंटे खालिस रही। तो हयात का कितना बड़ा वक्त है जो महज कयास की वजह से जाया कर दिया गया और इतनी बड़ी मखलूक को महरूम कर दिया। मां की गोद ये ऐसी नस्लों को परवान चढ़ाती है, उसमें ऐसे बच्चों की तरबियत होती जिसकी वजह से बच्चे अल्लाह के दीन के खिदमत गुजार बनते हैं और उस दीन की सरबलंदी के लिए काम करते हैं। जिस मां को आपने महरूम कर दिया अल्लाह के दीन के इल्म से, अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह के जिक्र से, उसकी औलाद कैसी होगी? इसी वजह से हमारी सारी नस्लों की नस्लें महरूम हो गई। असल महरूमी औरत की वजह से। तो ये साबित किया है इन उलमा ने कि ये नारवा पाबंदियां हैं जो आयत नहीं करनी चाहिए। उसमें एहतियात का काम जो है वो सिर्फ इतना है कि पढ़ने पढ़ाने के लिए अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के वर्ड्स को हाथ ना लगाए जाए। बाकी ये कि औरत भी अपने मामलात वैसे ही अंजाम देगी, रूटीन के मामलात भी और इल्मी एक्टिविटीज भी जैसे बाकी मामलात। अल्लाह से ये दुआ है अल्लाह ताला हमारा सीना इस्लाम के लिए खोल दे और अपने रब के ताल्लुक में किसी चीज को रुकावट ना बनने दे। और जितने उलमा ने अपनी जानिब से तहकीक की, हम ये समझते हैं कि हरेक ने नेक नियति से काम करने की कोशिश की, लेकिन जो मसला औरत के लिए दरपेश है आज और कल की औरतों के लिए, इस चीज को
लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया, ये बहुत बड़ी ज्यादती की बात है कि औरत को उसकी जिंदगी का तीसरा हिस्सा इजाजत ही ना दी जाए कि वो अल्लाह का कलाम सुने या दुआ करे या जिक्र करे या दुरूद पढ़े या कोई नेकी का काम कर सके। तो ये भी कदीम जाहिलियत के असरात में से। अल्लाह ताला हम सबको मुआफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हमें वो तरीका इख्तियार करने की तौफीक दे जो जायज़ है, बरहक है।